देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दर्पण इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दर्पण इन्वेस्टिगेशन में आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद खौफनाक है। एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जहां तालों से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात है, जहां अपनी मर्जी से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज क्या है दर्पण इन्वेस्टिगेशन में खास, देखिए। ज्ञान के नाम पर महिलाओं का शोषण, विश्वविद्यालय के नाम पर तालों से लदे गेट, बेसमेंट के अंदर लग्जरी गाड़ियों की भरमार, यहां के संचालक पर दर्ज है बलात्कार के दर्जनों मामले, लोगों का आरोप यहां होता है लड़कियों से बलात्कार। कोई भी लड़की अपनी इज्जत की वजह से कोर्ट में बयान नहीं कर पाती, मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या है जेल की तरह बने इस विश्वविद्यालय का सच? सब मिली सारी। दर्पण इन्वेस्टिगेशन में देखिए रोहिणी का राम रहीम। दिल्ली के विजय विहार में मौजूद ये विश्वविद्यालय पिछले करीब 20 साल से यहां चल रहा है। यहां विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद महिलाओं का कहना है कि यहां भगवान का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बाहर खड़े लोगों का कुछ और ही मानना है। आदमी यहां पे अलमारियों के अंदर मिल रहे हैं, बंद अलमारियों के अंदर, इतने पर्दे, इतने ताले, इतनी तिजोरियां, इतने सारे इंजेक्शंस, इतने सारे कॉन्डम्स, क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर? तेरा आत्मा पता नहीं क्या करते हैं आश्रम में, दबाते हैं कि बटन से जलाते हैं कि चीखें निकलती हैं यहाँ पे। विश्वविद्यालय के बाहर खड़े इन लोगों की माने तो यहाँ लड़कियों को लाकर उनका शोषण किया जाता है और उन्हें तालों के अंदर बंद रखा जाता है। लोगों की माने तो रात में गाड़ियों का आवागमन शुरू होता है। स्थानीय लोगों ने और भी बहुत सारी बातें यहां बताई, जिसके बाद हमारी टीम के लिए इस विश्वविद्यालय की सच्चाई जानना बेहद जरूरी हो गया। इस विश्वविद्यालय का सच जानने के लिए जब हमारी टीम अंदर घुसी तो हमारी टीम ने जो देखा और सुना वो बेहद चौंकाने वाला था। ऐसा जंगल है जहाँ महिलाओं को कैद कर दिया जाता है, जहाँ कहा जाता है कि उन्हें गुरु दक्षिणा दी जा रही है, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें आध्यात्म की दुनिया में घुसाया जा रहा है, भक्ति दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर ज्ञान की जगह कुछ और गलत काम किए जाते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 14 साल से उनकी लड़की अंदर कैद है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ ये अंदर भी मौजूद हैं जो जिन्हें मिलवाया तो गया लेकिन उसके बाद बाहर निकलवाने को राजी नहीं है। ये गेट पिछली काफी समय से ना तो पुलिस के कहने से खोला जा रहा है और ना ही किसी के आदमी के कहने से खोला जा रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह राठौड़ है। कौन 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 आया था अंदर, कौन आपका अंदर है और कितने टाइम से आप यहाँ पे? मेरी मामा जी लड़की है और मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर हूँ, लोधी रोड पर पोस्टेड हूँ। मेरी सिस्टर यहाँ 2 दिन पहले, जिस पर चोरी का मुकदमा भी दर्ज कर रखा हमने जयपुर में, वो यहाँ पर आई पैसे लेकर और वो पैसे हमें घर पर नहीं मिल रहे। और दूसरा 2 दिन पहले आई और एक किसी लड़के साथ में जिसका कोल्ड ड्रिंक लाया, वो लड़का उसको यहाँ लेकर आया। यहाँ गलत काम होता है, कुदरत के खिलाफ काम होता है, बलात्कार होते हैं इन कन्याओं के थ्रू, कन्याओं को बहका के और वो उसके पास ले जाते हैं और रात में वो बलात्कार करता है, चोरों की तरह रहता है वीरेंद्र दीक्षित। हर लड़की का मेडिकल कराया जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ हर किसी के साथ हुआ है यहाँ पर। इनका जो मेन हेड है
हर किसी को बोलता है कि 16,000 रानियां, मैं कृष्ण बन के आया हूँ जिसकी 16,000 रानियां है, और हर किसी के साथ छोटी छोटी बच्चियां जो भी पेरेंट्स छोड़ देते हैं उनके साथ करता है, और फिर उनको ब्लैकमेल करके पेरेंट्स तक से फोन पे बात तक नहीं करने देते, मिलाने की तो बात दूर है। अब आप सोचिए कि लोग कितने परेशान हैं, लेकिन आश्रम के अंदर पुलिस की मौजूदगी के बाद भी बार बार कहने पर आश्रम की महिलाओं ने गेट नहीं खोला। आखिर क्यों? जब मैंने कह दिया कि उसके जो क्लोज रिलेटिव है दो चार उनको मिला दो और मैं अंदर आऊंगी ताकि कोई अंदर नहीं आए। लगातार पुलिस की तरफ से गेट खुलवाने की बात कही गई। तालों में बंद गेटों के अंदर खड़ी महिलाओं ने एक बार भी गेट नहीं खोला और केवल यही बताती रही कि यहाँ ज्ञान दिया जाता है। बता दीजिए ना आप, मुझे बता दीजिए ना कि क्या होता है यहाँ पे, सच्चाई बता दीजिए, क्या होता है यहाँ पे। और अंदर से कुछ आवाजें उनकी भी आई जो अपनी लड़कियों से मिलने यहाँ आए थे और उन्हें कैद कर लिया गया, और ये महिलाएं अंदर से आरोप लगा रही थी कि उन्हें कैद कर लिया गया है। एक ऐसी लड़की से भी हमारी बात हुई जिसने हमें बताया कि केवल 14 साल की उम्र में उसके साथ भी इस आश्रम में बलात्कार किया गया, और उसकी बहन पिछले 14 साल से इस आश्रम के अंदर कैद है। मैं खुद विक्टिम हूँ, मुझे किसी बहन ने बुलाया, यहीं की बहन ने, कि आपको ये माता बुला रही है। मैं वो भी रात के टाइम पे, जब सो चुके होते हैं, बस यहाँ 9-10 बजे सो जाते हैं, फिर 11-12 बजे ऐसे कोई भी उठा के आपको ले जाता है, और फिर मैं माता के पास गई तो फिर वहाँ पर वो माता बाबा के रूम में ले गई, जो यहाँ के मेन बाबा है वीरेंद्र देव दीक्षित, उनके रूम में ले गई और फिर उन्होंने रेप किया। यहाँ जितनी भी कन्याएं हैं उन कन्याओं के साथ बलात्कार करता वो। इस आश्रम में लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस लड़की से भी बात करना जरूरी हो गया, क्योंकि उसी के रिश्तेदार ने दिल्ली दर्पण टीवी के संवाददाताओं को बताया कि यहाँ लड़कियों का माइंड वॉश किया जाता है। लेकिन जब हमने अंदर से कुछ ही दिन पहले यहाँ आई लड़की को बुलाने की बात अंदर खड़ी महिलाओं से की, तो करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद लड़की को हमारे सामने लाया गया, और जो कुछ भी उस लड़की ने बताया उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वो लड़की है जिसके लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली दर्पण की टीम को करीब 2 घंटे बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब हमारे संवाददाता ने इस लड़की से बात की तो कुछ और ही सामने आया। कैसे आप यहाँ पे अपनी मर्जी से रह रहे हो? बिल्कुल मर्जी से आ रही हूँ। कौन लेके आया था आपको? कोई नहीं लेके आया। क्या आपने गांव का एड्रेस बताया? पुरानिया, जिला झुंझुनू, राजस्थान। अच्छा, पहले कब से आपको ये शौक था आध्यात्मिक दुनिया में आने का? आध्यात्मिक 5 साल से। 5 साल से था, तो फिर 5 साल बाद भी यहाँ पे आप परसों यहाँ पे आए? जब जिसका पार्ट होगा तभी आएगा, जिसका लिखा होगा। इससे पहले भी कभी आपने यहाँ पे आने की कोशिश की थी? की थी, पर मैं नहीं आ पाई। मैंने सोचा घर वाले परमिशन दे देंगे, इसलिए उन्होंने नहीं दी थी, तब मैंने ये कदम उठाया। तो किसके थ्रू आए फिर यहाँ पे? मैं अकेली आई, कोई थोड़ा तेज बोले, कोई मेरे साथ नहीं आया, अकेली आई। कैसे कैसे आई थी मैडम? ट्रेन से आई थी, टिकट मैंने वहीं डाल दी, नहीं लेके मैं अपने साथ में। और यहाँ पे क्या होता है अंदर? कुछ भी नहीं होता, आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन सा? भाई शिव बाबा। शिव बाबा तो वो आते हैं यहाँ पे? ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। इसने दिल्ली दर्पण टीवी से बात करते हुए बताया कि ये यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से इस आश्रम में रह रही है। लेकिन जब दिल्ली दर्पण टीवी के संवाददाता ने इसे इसके परिवार की ही बताई हुई एक बात से रूबरू करवाया कि इसके यहाँ आने के बाद इसके पिताजी नहीं रहे, तो इसे विश्वास नहीं हुआ। और जब दिल्ली दर्पण टीवी के संवाददाता ने इसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहा जिससे शायद आश्रम की कोई ना कोई हकीकत या फिर कोई सच सामने आ सकता था, तो अंदर खड़ी महिलाएं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। और पापा ने फिनाइल पी लिया, आपको इससे कोई मतलब नहीं है? मतलब है, ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं, भगवान साथ होता तो आदमी क्या मृत्यु शरीर पे नहीं लेता?
भगवान साथ होता अपनी मृत्यु से लेकर नहीं लगता नहीं ऐसा ज्ञान अगर दिया जा ऐसा ज्ञान दिया जाता है यहाँ पे अगर आदमी अगर भगवान के उसमें सानिध्य में है तो वो अपनी मृत्यु से लेकर नहीं लेगा ऐसा ज्ञान दिया जाता है अगर आदमी भगवान के साथ में है तो मृत्यु से लेकर नहीं लेगा ऐसा ज्ञान दिया जाता है मैडम सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि आश्रम के अंदर मौजूद महिलाएं उस लड़की को अंदर ले गई क्या वो कुछ ऐसी बात बता सकती थी जिससे इस आश्रम की किसी निजी राज से पर्दा उठ सकता था खैर ये रहस्य रहस्य ही रह गया लेकिन उस आश्रम में पिछले 14 सालों से रह रही एक लड़की को बार बार कहने के बाद भी सामने नहीं लाया गया ये है एक्सक्लूसिव सबूत जिसमें FIR से लेकर तथा कथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ की गई रिपोर्ट की कॉपी है जो कि बड़ी जद्दोजहद के बाद गौरव सिंह राठौर के हाथ लगी सवाल ये है कि आखिर स्थानीय लोग और अंदर रह रही लड़कियों के परिजनों का कहना है कि यहाँ लड़कियों का शोषण किया जाता है इसी आश्रम में रह चुकी एक लड़की ने भी हमें बताया कि उसके साथ 14 साल की उम्र में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी इतने आरोपों के बाद भी आखिर आश्रम के ताले क्यों नहीं खुलवा पा रही है आखिर क्यों पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है क्यों इस पूरी घटना का खुलासा नहीं कर पा रही है हालांकि तथाकथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है अब सवाल यह है कि आखिर कब तक पुलिस वीरेंद्र देव दीक्षित को अपनी गिरफ्त में लेती है और इस पूरी घटना का पूरी वारदात का खुलासा करती है दर्पण इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक और खौफनाक कहानी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर